नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंगल प्लेट टाइप क्लच के बारे में। क्लच से मीनिंग क्या है? वो डिवाइस जो इंजन की पावर को अंगेज और डिसंगेज करने का फंक्शन करता है, या वो डिवाइस जो इंजन के शाफ्ट से पावर लेता है और उसको गियर बॉक्स के शाफ्ट पे भेजता है अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। जब जरूरत होती है तो वो पावर का ट्रांसमिशन करता है, जब जरूरत नहीं होती तो पावर का ट्रांसमिशन नहीं करता है। तो ये फंक्शन होता है क्लच का। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं सिंगल प्लेट टाइप क्लच के बारे में। सिंगल प्लेट से मीनिंग क्या है? जिस क्लच में सिंगल प्लेट का यूज करके पावर को अंगेज और डिसंगेज करते हैं हम, उसको बोलते हैं सिंगल प्लेट टाइप क्लच। अब ये जो क्लच है ये किस प्रिंसिपल पे बेस होती है? ये क्लच फ्रिक्शन के प्रिंसिपल पे बेस होती है। इससे मीनिंग क्या है कि हमारी दो डिस्क रहती है, जिसमें से एक जो डिस्क रहेगी वो इंजन की पावर से रन करेगी, इंजन के शाफ्ट से जुड़ी रहेगी और कंटिन्यूअसली रन करेगी, रोटेट होगी। दूसरी जो होगी वो स्टेशनरी कंडीशन में रहेगी, लेकिन प्रेशर की सहायता से हम इसमें अंगेज करेंगे, क्योंकि इनमें प्रेशर लाइनिंग्स रहेंगी, तो जो फ्रिक्शन लाइनिंग्स रहेंगी उसकी सहायता से ये आसानी से जुड़ जाएंगे आपस में आसानी से ये अंगेज हो जाएंगी। इससे पावर जो है वो आसानी से ट्रांसफर होगी, पावर का ट्रांसमिशन होगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से मेन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। यहां पे ये इंजन का शाफ्ट होता है जिसकी सहायता से हमारा फ्लाई व्हील रन करता है। ये जो फ्लाई व्हील है, इस फ्लाई व्हील में सेंटर जो पोर्शन रहता है, यहां पे एक बेयरिंग रहती है, वो बेयरिंग शाफ्ट को जोड़ने के काम आती है। जो बाकी पोर्शन रहता है उसमें वो फ्रिक्शन लाइनिंग्स रहती है, जिनका फंक्शन होता है क्लच प्लेट की इजी अंगेजिंग और इजी डिसंगेजिंग। यहां पे ये क्लच प्लेट रहती है क्योंकि सिंगल प्लेट है, तो सिंगल प्लेट क्लच है। अब इसके दोनों साइड में यहां पे फ्रिक्शन की लाइनिंग्स रहती है। जो फ्रिक्शन की लाइनिंग्स है वो इजी अंगेज करने के काम आती है और आसानी से रिलीज करने के काम आती है। जो प्रेशर प्लेट है, इस प्रेशर प्लेट का फंक्शन होता है इस क्लच प्लेट को फ्लाई व्हील के साथ में प्रेशर से अंगेज करना और वापस उसको डिसंगेज करना। ये फंक्शन किसकी सहायता से होता है? एक थ्रस्ट टाइप स्प्रिंग की सहायता से होता है। इस तरह से ये थ्रस्ट टाइप स्प्रिंग लगी रहती है और इनसे ये पावर अंगेज और डिसंगेज होती है, जो कि प्रेशर एक तरह से रिलीज करती है और अप्लाई करने में मदद करती है। दूसरा, कोई सडन जर्क आ जाए उससे बचाने में भी मदद करती है। यहां पे ये लीवर होता है, इससे ऊपर फुट पेडल रहता है जिसको ड्राइवर प्रेस करता है, इससे पावर रिलीज हो जाती है, पावर डिसंगेज हो जाती है। जब क्लच पेडल को रिलीज करता है ऑपरेटर ड्राइवर, तब ये पावर वापस अंगेज हो जाती है। ये शाफ्ट होता है जिसको गियर बॉक्स शाफ्ट बोलते हैं। इससे मीनिंग क्या है कि ये गियर बॉक्स के साथ में जुड़ता है और जो गियर बॉक्स है वो फिर पावर को आगे ट्रांसफर करता रहता है वेरिएशन के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की। वर्किंग किस तरह से होती है? यहां पे ये जो फ्लाई व्हील है ये स्टार्टिंग में फ्रीली रन करता रहेगा, इंजन के क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा रहता है, फ्रीली रन करता रहेगा। और जब क्लच पेडल ऑपरेटर या ड्राइवर प्रेस करेगा उस समय, तो यहां पे डिसंगेजिंग कंडीशन रहेगी, क्योंकि इस समय जो आपको फिगर दिख रहा है ये क्लच पेडल जो है उसके अकॉर्डिंग वो रिलीज किया हुआ है और हमारी जो क्लच प्लेट है वो फ्लाई व्हील के साथ में अंगेज है। लेकिन जब क्लच पेडल को प्रेस करेगा ड्राइवर तो ये रिलीज हो जाएंगी, और जैसे ही इनको रिलीज करेगा, इस लीवर को रिलीज करेगा, रिलीज करते ही ये जो प्रेशर प्लेट है ये इन स्प्रिंग्स की सहायता से एकदम से प्रेशर अप्लाई करेंगी और क्लच प्लेट को
इस फ्लाई व्हील से एंगेज कर देंगी विद द हेल्प ऑफ दोज फ्रिक्शन लाइनिंग्स। वो फ्रिक्शन लाइनिंग्स जो यहां पे फ्लाई व्हील के ऊपर भी होंगी और क्लच प्लेट के ऊपर भी होंगी, ताकि क्लच प्लेट और फ्लाई व्हील आसानी से रन कर सके, आसानी से एंगेज हो सके और इसकी सहायता से गियर बॉक्स का जो शाफ्ट है वो प्रॉपरली रोटेट हो सके। क्योंकि ये जो है रेसिप्रोकेट करता है जब क्लच पेडल को प्रेस किया जाता है, तो गियर बॉक्स का शाफ्ट इससे डिसंगेज हो जाता है और जैसे ही क्लच पेडल को रिलीज किया जाता है तो ये वापस उस बियरिंग के अकॉर्डिंग इंजन के शाफ्ट से जो फ्लाई व्हील रन करता है उसमें ये एंगेज हो जाता है, इससे हमारा व्हीकल रन करता है। तो ये फंक्शन होता है दोस्तों सिंगल प्लेट टाइप क्लच का। थैंक यू दोस्तों।